अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवा मिनी किड्स। इस शांति मंत्र का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। हे प्रभु, आप हम दोनों यानी गुरु और शिष्य, आप हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों को शक्ति प्रदान करें, ताकि हम महान ऊर्जा के साथ संयुक्त रूप से काम कर सकें। हमारा ज्ञान तेजमयी हो, हमारे अध्ययन सशक्त और प्रभावी हो, और हम किसी से द्वेष ना करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यह शांति मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद से है, जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे
सिंधु का चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगे च यमुने चैव अर्थात हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी हे सभी नदियों मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी नदियों में स्नान करता है उसका शरीर और मन पवित्र होते हैं और साथ ही साथ उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए स्नान करने के समय इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है ताकि स्नान करने के जल में इन नदियों की पावनता पवित्रता और दिव्यता उस जल में प्रवेश करे और उस जल को पवित्र कर दे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थस्मिन् सन्निधिं कुरु। सभी ओर शांति स्थापित हो, सभी ओर पूर्णता हो, सभी ओर समृद्धि हो। यह मंत्रोच्चारण विश्व के कल्याण के लिए एवं विश्व में शांति परिपूर्णता और समृद्धि बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऐसे मंत्र के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आज के भौतिक जीवन में तनाव दूर होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सर्वेषां
साधु व्यक्तियों के संरक्षण के लिए एवं दुरात्माओं के विनाश के उद्देश्य से धर्म को पुनस्थापित करने मैं युग युग में जन्म लेता हूं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। केवल कर्म करने तक ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। इसलिए फल प्राप्ति हेतु कर्म कारक तुम न बनो, ना ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म
कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पंचवक्रतये विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे पंचभूतों के स्वामी, हे महादेव, हम तुम्हारा ध्यान एवं वंदन करते हैं। हे महारुद्र, हमारा उद्धार करो। पंचवक्रतये विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पंचवक्रतये विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र पंचवक्रतये विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।